फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन को भी कॉम्पिटेंट विटनेस माना जा सकता है। तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 315 ये बात करता है एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी आरोपी व्यक्ति को कब एक सक्षम गवाह के तौर पर माना जा सकता है। तो सेक्शन 315 को समझते हैं। देखिए, सेक्शन 315 बात करता है एक्यूज्ड पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। जब किसी भी एक्यूज्ड को अगर विटनेस बनना चाहता है तो विटनेस बनाने के लिए उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, ना तो आपका प्रोसिक्यूशन और ना ही कोई और, कोई भी ऐसा तरीका नहीं दिया जिससे वो लोग उसे विटनेस बना सकें, यानी दे कैन ही कैन नॉट बी फोर्स टू बी विटनेस। लेकिन जब एक्यूज्ड व्यक्ति अपनी मर्जी से कोर्ट में रिटन में ये चीज़ देता है कि मैं एक विटनेस के तौर पे कोर्ट के सामने आना चाहता हूँ, तो कोर्ट उसको कम्पिटेंट विटनेस मान सकती है। सेम चीज़ हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा 306 और 307 और 307 जो हमने पढ़े थे CRPC के, जहाँ टेंडरिंग ऑफ पार्डन की बात होती है, टेंडरिंग ऑफ पार्डन यानी कि अप्रूवर की जहाँ हमने बात की थी। 306 में क्या आता है, अप्रूवर आता है, जहाँ पे भाई सरकारी गवाह बन जाता है, वायदा माफ गवाह, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वायदा माफ गवाह। तो उस केस में जब वो जो गवाही कोर्ट में देगा वो अंडर सेक्शन 315 देगा। जब कोई कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं बचता है तो एक्यूज्ड में से किसी एक को सरकारी गवाह बना लिया जाता है और वो अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट में वहाँ पे विटनेसिंग दे सकता है, और कंडीशनल पार्डनिंग होती है कि कुछ कंडीशन पे उसको पार्डन कर दिया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 315 पे। देखिए, एक्यूज्ड को पहली बात तो ये है कि फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप विटनेस बनो। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ने कहा कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सेल्फ इंक्रीमेटरी स्टेटमेंट, आपको नंदनी सतपति केस याद होगा, इसके लिए ज़रूर पढ़िएगा आप नंदनी सतपति केस। तो ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, आप ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक्यूज चाहे तो सेल्फ खुद से रिटर्न में दे के कोर्ट में वो गवाह के तौर पे आ सकता है। देखिए, बेयर एक्ट को पढ़ लेते हैं। एक्यूज्ड पर्सन टू बी कम्पिटेंट विटनेस, एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शैल बी कम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। डिफेंस के लिए वो कम्पिटेंट विटनेस हो सकता है कब, एंड ही मे गिव एविडेंस ऑन ओथ, और ओथ पे एविडेंस दे सकता है इन डिसप्रूफ ऑफ चार्ज मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टूगेदर, अपने लिए भी और अपने को एक्यूज के लिए भी। अब लेकिन प्रोवाइजो यहाँ क्या दे दिया कि ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस एक्सेप्ट इज ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल याद रखें कि उसको खुद की विल पर ही बुला सकते हैं। हीज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट और एनी ऑफ द पार्टीज कोर्ट और गिव राइज टू एनी प्रजम्पशन अगेंस्ट हिमसेल्फ एनी और एनी पर्सन चार्ज टूगेदर। एनी पर्सन चार्ज टूगेदर मीन्स कौन, उसके साथ में जो को एक्यूज्ड है उनके लिए। तो यह कह दिया कि भाई मान लो उसने खुद से जो एविडेंस दिया है ना, वो किसी भी पार्टी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, उसको आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बना लोगे सब्जेक्ट टू एनी कॉमेंट, किसी भी उसके ऊपर टिप्पणी आप करने लगोगे तो ऐसी टिप्पणी आप उस पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है कि कोर्ट का वही बेसिक लॉ फॉलो होता है कि जब तक एक्यूज गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है। सब सेक्शन 2 कहता है कि एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड इन क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 98 107 108 109। देखिए, जो सेक्शन 98 है हमारा, ये चैप्टर 7 में आता है, जो कि सर्च वारंट का एक पार्ट है, जहाँ पे अगर किसी महिला को एबडक्ट कर लिया गया है तो उनके रिस्टोरेशन के लिए पावर दी गई है। 108, 109 और 110 ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं ये बात करते हैं पब्लिक सिक्योरिटी की, पब्लिक सेफ्टी की। और यहीं पे आपका जो
आपका आ जाता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 किसकी बात करता है, मेंटेनेंस टू वाइफ 125 से लेकर के 129 तक। पार्ट बी सी एंड डी, पार्ट बी किसकी बात करता है, पार्ट बी बात करता है यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस की। और पार्ट पब्लिक न्यूसेंस ये आपका सेक्शन 133 से 144 तक आता है। पार्ट सी, सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कर्फ्यू भी कहते हैं, जहाँ कहते हैं धारा 144 लग गई, 144 और 144 से 144। और पार्ट डी में आता है आपका, जहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर कोई डिस्प्यूट होता है। तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ, जो मैंने अभी बताए हैं इन सेक्शंस में, कोई अपराध अगर आया है तो वो अपने आप को ऑफर कर सकता है। इस लाइन पर ज़रूर ध्यान दें, मे ऑफर, यानी कि यहाँ भी उसकी खुद की मर्जी है, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। एज ए विटनेस इन सच प्रोसीडिंग, इन केसेज में खुद को विटनेस प्रोड्यूस कर सकता है। पर प्रोवाइजो ये है कि जो प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 108, 109 एंड 110, जो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग होंगी, उन प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 108, 109 में, जब सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, अगर फेलियर ऑफ सच पर्सन टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड टू सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट। मान लीजिए वो खुद के लिए विटनेस तो बन गया 108, 109, 110 में, यहाँ पे वो विटनेस तो बन गया, लेकिन विटनेस बनने के बाद वो कोई एविडेंस नहीं दे पाता है, तो कोर्ट यहाँ पे इस बात को ये प्रिजम्पशन नहीं लेगा कि ये तो एक्यूज्ड है यहाँ पे, तब भी ये माना जाएगा कि भाई इसको पूरी इंक्वायरी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि इसके खिलाफ क्या निर्णय लिया जाना है। एक केस लॉ यहाँ पे जरूर नोट कर लीजिए आप, पीपल्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सरदार सरदुल। इस केस की मोटी मोटी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जब कोई भी एक्यूज, मान लीजिए एक एक्यूज्ड है, ये जब विटनेस बनता है तो इसका अगर कोई एक्यूज्ड भी है तो वो भी इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और अदर पार्टी भी इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। यहाँ पे जो रूल्स एक नॉर्मल विटनेस पर लागू होते हैं वो सारे के सारे इस पर लागू होंगे, इसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये इस केस में यहाँ पे क्लियर हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।